पांच सूत्री मांग लेके चले। जिस तरह पिछले दिनों छात्रों का आंदोलन हुआ, सरकार ने घोषणा की थी कि 4 मार्च तक रिजल्ट देंगे, अभी तक 7 मार्च हो गया, ना कोई आश्वासन ना कोई रिजल्ट मिला। दूसरी तरफ आए दिन बालू माफियाओं का राज हो गया पूरे बिहार में। आप देखे होंगे पिछले दिन गया के बेलागंज में जिस तरह बालू माफिया प्रशासन को साथ में लेके गांव में जाके आजादी के बाद एक पहली घटना होगी कि तालिबानी तरीके से महिलाओं को रस्सी में पीछे बांध के नंगा करके पीटा जाता है और प्रशासन मुंह आंख बंद करके देख रही थी और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिन दमंगों के द्वारा दरभंगा में घर में जिंदा जलाने का घटना किया है और शराब माफिया पूरे सरकार पर पंगो कर दिया है। शराब माफिया जिसको जिस थाने से जो चाह रही है वो करवा ले रही है। पहले नीतीश कुमार के राज्य में पहले शराब माफिया शराब को दुकान से जाकर खरीदना पड़ता था, मगर अभी शराब माफियाओं का एक ऐसा स्केल बन गया है कि आप घर पर डिलीवरी दे रही है। देखिए समाज सुधार हमारे राज राजा राम मोहन ने भी किया था। अभी समाज सुधार की जरूरत नहीं है, अभी शराबबंदी कैसे हो इस पर काम करने की जरूरत है। बालू माफियाओं भैया आपके डेट में आज पटना जैसे शहरों में घर पर होम डिलीवरी हो रही है, गांव देहात की बात छोड़ दीजिए, और करोड़ों का लेन देन हो रहा है एक एक जिला में और बैक डोर से पैसा वो सरकार के पास जा रही है और सरकार जानबूझ के शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है। यहाँ सरकार को चलाने में बालू माफिया, शराब माफिया, चिकित्सा माफिया, शिक्षा माफिया, ये पांचों मिलके सरकार को चला रही है। हमारी मांग है कि रोजगार दे, नहीं तो सरकार गद्दी छोड़े, नहीं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इस तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज राजभवन मार्च कर आगे रुकेंगे, हम लोग आराम से बैठेंगे। बढ़िया बढ़िया प्रेम भाई, अरे सुरेंद्र जी खड़े मत। बच्चियों के साथ बाहर हाजीपुर गया और दरभंगा में रेप हो रहा था, बच्चियों को आग
राष्ट्रीय मंत्री अपना राज्य के लिए राष्ट्रीय।